हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ओप्पो के स्मार्टफोन्स के बारे में, जिनकी प्राइस 20,000 रुपये से कम है और ये इस रेंज के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हैं। मैंने 3 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं ओप्पो के इस रेंज के और ये तीनों स्मार्टफोन 20,000 रुपये से नीचे के रेंज के ओप्पो के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हैं। तो शुरू करते हैं इस टेक टॉक को और देखते हैं कौन कौन से हैं वो स्मार्टफोन्स। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, मैंने जो तीनों स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं ओप्पो के, उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, जिसमें पहली सिमिलैरिटी है कैमरा रियर साइड का। तीनों में जो कैमरा लगा हुआ है वो क्वाड कैमरा है और तीनों का जो कैमरा है उसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। तीनों का फ्रंट कैमरा भी सिमिलर है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है तीनों स्मार्टफोन का जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। और तीनों में जो बैटरी है वो 4000 mAh की है। अंतर जो है मुख्यतः वो है इनकी प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसर अलग है तीनों में। तो शुरू करते हैं तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों, वो है ओप्पो का रेनो 2F। ये स्मार्टफोन थोड़ा सा यूनिक भी है क्योंकि इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो तो 16 मेगापिक्सल का है ही, लेकिन यह एक पॉपअप कैमरा है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा जो है रियर कैमरा वो क्वाड कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। बैटरी 4000 mAh की है इसकी और ये चार्ज होती है 20 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू, जो कि वूक चार्जर है वर्सन 3.0। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है और जो वेरिएंट 20,000 से नीचे के रेंज में उपलब्ध है उसमें 8GB रैम आपको मिलेगा और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। प्रोसेसर इसमें जो लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो P70 और जो डिस्प्ले है इसका वो एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है ये, और जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.5 inches की। तो ये जो स्मार्टफोन है ओप्पो का रेनो 2F, ये तीसरे नंबर पे उपलब्ध है और ये इस रेंज का तीसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। तो अगर आप थोड़ा सा यूनिक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा हो, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों, वो है ओप्पो का F15। ये स्मार्टफोन भी आता है क्वाड कैमरे के साथ। रियर कैमरा इसका क्वाड कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका भी 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन पॉपअप कैमरा नहीं है ये, नॉर्मल कैमरा है। और साथ ही जो बैटरी इसमें भी लगी हुई है वो 4000 mAh की है और ये चार्ज होती है 20 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू, जो कि वूक 3.0 है। इसमें भी जो प्रोसेसर आपको मिलेगा वो मीडियाटेक का हीलियो P70 मिलेगा, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 20,000 से नीचे की कीमत पर उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। जहां तक डिस्प्ले की बात है, डिस्प्ले इसका एमोलेड डिस्प्ले है और फुल HD प्लस डिस्प्ले है ये। डिस्प्ले साइज है 6.4 inches का और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन उपलब्ध है। तो दूसरे नंबर पे ओप्पो का ये स्मार्टफोन ओप्पो F15 है। दोस्तों, पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो ओप्पो का F17 Pro है। ये स्मार्टफोन भी आता है क्वाड कैमरे के साथ। रियर साइड में जो कैमरा लगा हुआ है वो क्वाड कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। प्रोसेसर इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेड प्रोसेसर लगा हुआ है, मीडियाटेक का ही प्रोसेसर है, लेकिन इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक का हीलियो P95। इसमें भी जो वेरिएंट आपको मिलेगा 20,000 से नीचे के रेंज में, उसमें 8GB रैम होगा और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। जो इसमें बैटरी है वो 4000 mAh की है, लेकिन ये चार्ज होती है 30 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू, जो कि वूक फ्लैश चार्ज 4.0 है। इसमें जो डिस्प्ले आपको मिलेगा वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले रहेगा ये। और जो डिस्प्ले साइज है इस स्मार्टफोन की वो है 6.43 inches की और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये भी स्मार्टफोन आता है।
तो दोस्तों ओप्पो का F17 Pro हमारे इस लिस्ट में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है क्योंकि इसका प्रोसेसर कंपैरेटिवली अच्छा है। तो दोस्तों ये थे तीन स्मार्टफोन ओप्पो के 20,000 से नीचे की रेंज के, तीनों बेस्ट स्मार्टफोन है इस रेंज के ओप्पो के, आप तीनों को कंसीडर कर सकते हैं लेते समय। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।